नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कि मेरे पास एक और कमेंट आया था, इन्होंने कमेंट में लिखा हुआ है 1,000 लोगों के लिए हमने खाना खिलाना है, लोगों में खाना खिलाना है। खाने में रसगुल्ले, मूंग दाल का हलवा, मिक्स वेज सब्जी, चावल छोले रायता, अचार पापड़े और पालक पनीर की सब्जी होगी। ठीक है, ये जो इन्होंने 1,000 लोगों में मटेरियल बताया है, इसके अनुसार भाई आप खर्चा बताएं। बहुत ही अच्छा सवाल है हमारे प्यारे बहन भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं। आपके मन में भी कोई भी सवाल है तो आप भी कमेंट करके पूछ लेना भाई। आपको वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक ज़रूर कर दिया करो। बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ भाई, लाइक कर दो यार, आपका कुछ नहीं जाता यार, लाइक कर दिया करो। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका जो भी खर्चा है, खर्चे के अनुसार हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने लगभग 12 से 13 टिन यहाँ पर रसगुल्ले के लगने वाले हैं। ठीक है, लेकिन एक बात और है भाई साहब, अपने अपने एरिए के अनुसार थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि कई बार गांव गांव में ज़्यादातर मिठाई लगती है और शहर में चरचरा ज़्यादा लगता है। ठीक है, 1-2 टिन का आपने डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, 12 से 13 टिन यानी कि 1 टिन रसगुल्ले का 18 किलो की भर्ती आती है। ठीक है, 12 से 13 टिन यहाँ पर लगने वाले पिपे। ठीक है, एक पिपा 18 किलो का आता है। ठीक है, लगभग एक पिपा फिलहाल का भाव लगभग 1,350 रुपये मैक्सिमम मान के चलते हैं हम। ठीक है, 1,350 के अनुसार हमने 16,800 रुपये लगाए मैंने। ठीक है, रसगुल्ले के। और यहाँ पर 18 से 20 किलो सूजी का मूंग दाल का हलवा, 18 किलो मैंने मूंग दाल की है, 1,800 रुपये लगाए, लगभग 100 से 110 रुपये किलो दाल मिल सकती है आसानी से। ठीक है, और 110 रुपये मैंने 110 लगभग जो सूखी सब्जी हमारी, 1 कुंटल 10 किलो मैंने सूखी सब्जी लगाई है। जो कि आपने ये देखा होगा भाई, हमारी जो सब्जी है, एक तो छोले हो गए और एक मिक्स वेज है और इसके अलावा पालक पनीर है। ठीक है, तीन वैरायटी हो गई हमारी सब्जी में। ठीक है, इसके अनुसार 1 कुंटल 10 किलो मैंने सब्जी लगाई है, यहाँ पर 70 से 80 किलो सब्जी निकल जाएगी हमारी। ठीक है, 70 से 80 किलो जैसे कि कचरा निकाल करके। ठीक है, 1 कुंटल 10 किलो जो सब्जी है, सब्जी का जो प्राइस है मैंने 40 रुपये लगाया है 1 किलो सब्जी का। जैसे कि भाई आलू है, आलू आपको 20 रुपये किलो मिल जाएंगे, 25 रुपये किलो मिल जाएंगे। और जो गोभी है, गोभी 40 से 50 मिल सकती है। ठीक है, बताऊँ है, या भिंडी है, भिंडी आपको 60-70 भी मिल जाती है, तो आलू कम रेट के हो गए। ठीक है, जो कई सब्जी ज़्यादा रेट की होगी, कई सब्जी कम रेट की होगी। मैक्सिमम 1 कुंटल 10 किलो गुणा में मैंने 40 कर दिया है, लगभग 4,400 रुपये मैंने सब्जी के लगा लिए यहाँ पर। 25 किलो मैंने यहाँ पर चावल कर दिए हैं। कई बार चावल की लागत ज़्यादा अधिक आ जाती है, कई बार कम आती है। लगभग 20 किलो चावल यहाँ पर लगने वाले हैं। ठीक है, 20 से 25 किलो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और छोले मैंने यहाँ पर 10 किलो कर दिए हैं, 40 किलो मैंने यहाँ पर खीरे कर दिए हैं। जैसे कि खीरा फिलहाल 50 रुपये का भाव चलता है, और जो आपके पास भाव वो सेलेक्ट कर लेना। मैंने 50 रुपये खीरे लगाए, 40 किलो खीरे, और 40 किलो मैंने टमाटर लगाए हैं इसके सलाद के लिए। ठीक है, और मैंने यहाँ पर 20 किलो प्याज लगाई सलाद के लिए। ठीक है, इसके अलावा 50 से 60 के आप 1 कुंटल टमाटर कर सकते हो। जैसे कि मैंने 50 किलो प्याज टमाटर मैंने सब्जी की लिखी हुई है। ठीक है, और 30 किलो प्याज मैंने सब्जी की लिखी हुई है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मान सकते हैं हम 50 किलो प्याज, 1 कुंटल टमाटर। ठीक है, इसके अलावा ककड़ी या फिर मूली 20 से 25 किलो, आप इनमें से कोई सी भी चीज़ बढ़ा सकते हो सलाद में, और कोई आइटम देना चाहते हो तो। ठीक है, मैंने 1,000 रुपये इसके कैलकुलेट किए हैं, तो और सब्जी जो आप हम इसके अंदर सलाद ऐड करेंगे। ठीक है, और 4 डब्बे मैंने अचार के कर दिए हैं, और 10 पैकेट पापड़ के कर दिए हैं, और 80 किलो मैंने पालक कर दिया है पालक पनीर के लिए, 60 किलो मैंने पनीर कर दिया है यहाँ पर। इसके अलावा हम देखने वाले हैं 20 किलो देसी घी कर दिया है मैंने। घी का लगभग 12,000 रुपये प्राइस लगाया है 20 किलो घी का। जो आपके पास भाई 700 का है, 600 का, 500 का, जो भी घी चलता है वो आप कैलकुलेट करके लगा सकते हो। ठीक है, लगभग 1 टेन
8500 रुपये लेकर के और 9000 तक का एक टिन मिल जाता है घी का, ठीक है, देसी घी का। और 2 किलो मैंने यहाँ पर काजू लगाए हैं आलूए के लिए, और 1 किलो बादाम लगाए हैं मैंने, 1 किलो किशमिश लगाई है, और चिरंजी दाना भी कर सकते हो 500 ग्राम आप, और 15 किलो मावा लगाया है, सब्जी में भी डाल सकते हैं हम और आलूए के अंदर भी, ठीक है। और 4 टिन मैंने रिफाइंड के लगाए हैं, और 6 गैस सिलेंडर लगा लिए हैं, और मसाला का जो लगभग नमक मिर्च हल्दी जो छोटे मोटे मसाले होते हैं इनका लगभग 8000 रुपये खर्चा बन जाता है, ठीक है। 8000 रुपये मैंने मसाला का लगाया है, 50 किलो मैंने चीनी लगाई है, जैसे कि मोटे मोटे आइटम तो मैंने यहाँ पर कवर कर लिए, तेल टिन या चीनी, ठीक है, और 2 बर्फ़ की छिल्ली लगाई है, ठीक है, अब मौसम के अनुसार गर्मी में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक कमेंट और था, इन्होंने बोला था भाई फ्रूट कितना लग जाएगा, जैसे कि मान के चलते हमें इसके अंदर आप फ्रूट में गर्मियों का टाइम है, इस गर्मियों के टाइम के अनुसार आप फ्रूट लगवाना चाहते हो तो मिक्स फ्रूट मत लगवाना भाई, मेरी आपसे यही रिक्वायरमेंट है। आप इसके अंदर ओनली तरबूज और पपीता लगवा सकते हो, बहुत ही बेस्ट रहेगा तरबूज और पपीता, ठीक है, या मिक्स लगवाना चाहते हो तो वो अपने अनुसार देख लेना, या एक आइटम और बढ़ा सकते हो, खरबूजा तरबूज पपीता, 3 आइटम हो जाते हैं तो बेस्ट आपकी फ्रूट स्टॉल रहेगी, ठीक है। ये 3 आइटम में से तीनों मिक्स करवा सकते हो इन 3 वैरायटी को, ठीक है, और बेस्ट रहेगी ये, लगभग 2.5 क्विंटल फ्रूट लगने वाला है 1000 लोगों के अंदर, ठीक है। आप इस 3 चीज़ की फ्रूट मिला करके आप यूज करवा सकते हो, और इसके साथ में 2 बर्फ़ की छिल्ली एक्स्ट्रा हो जाएगी, ठीक है। लगभग मैंने ये टोटल यहाँ पर खर्चा जोड़ के देखा है तो 98000 रुपये हमारा टोटल खर्चा बन जाता है। गुजारिश करता हूँ कि आपने हमारी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।